बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे वर्कर और सपोर्टर से मुखातिब हूँ। आपको मालूम है कि खान साहब की सेहत हम सब के लिए एक अव्वलीन तरजीह है। 3 अक्टूबर के बाद खान साहब के साथ न किसी वकील, न फैमिली मेंबर और न किसी पॉलिटिकल लीडर की मुलाकात हुई थी। उसके सेहत के बारे में हमें बहुत बड़ा तशवीश था, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी ने एहतजाज 15 अक्टूबर को डी चौक पे एक कॉल दिया था। इसके पेश नज़र हमने एक दरख्वास्त भी गुजारी थी इंटीरियर मिनिस्टर को। उसमें हमने दरख्वास्त की थी कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को या डॉक्टर को या फैमिली मेंबर को मिलने की इजाज़त दी जाए ताकि इस खदशे को ख़त्म किया जाए और हमारे वर्कर और सपोर्टर में जो तशवीश पाई जाती है उनका इत्मीनान हो सके कि खान साहब की सेहत ठीक है। इसी दौरान आपको मालूम है कि सीओ के कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है और हमारे अलायंस ने भी हमसे दरख्वास्त की थी कि आप इस एहतजाज के काल को मौखर करें। हमारे फ्रेंडली कंट्री भी पाकिस्तान और इस्लामाबाद आ चुके हैं। चूंकि हुकूमत ने हमें, इंटीरियर मिनिस्टर ने एक अश्योरेंस दी है कि कल इंशाल्लाह ताला डॉक्टर की जरूर मुलाकात होगी खान साहब से, इस अश्योरेंस के बिना पे मुझे जब कहा गया तो मैंने मशावरत के लिए टाइम मांगा। इस सफर को हमने पॉलिटिकल कमेटी और एपेक्स कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान रखा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत और पॉलिटिकल कमेटी ने यूनानिमसली इस बात को कबूल किया और इसके पेश नज़र हम कल के एहतजाज को मौखर करते हैं।